ये तीनों हमारे क्या है? इसको कहते हैं ओ एल आर, ये तीनों सेम है ना। ये दिया वर्णन दे ले, ये दिया वर्णन दे ले, ये दिया वर्णन, और ये यानी सबसे आसान ये है कि ये इसमें डायरेक्ट कोई नंबर वगैरह लगाना नहीं है, और यहाँ से इसका रिस कर सकते हैं। तो हमने अभी अवर लोड और ये वाली जो अवर लोड रिले है इसके दो है, यहाँ से गुजरी बताया एक बार, और ये जो है हमारा रिस है और जो टाइम है वो यहाँ से रिस, और ये जो अवर लोड रिले है इसका भी यही वाला ऑप्शन है यहाँ से, और इसके बाद ये हमारे सप्लाई वाली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वायर को इसके एन सी पॉइंट पर रखिए, एन सी पॉइंट ये हमारी क्या हो पहला कि एन सी पॉइंट में पहली वायर हमारी लगेगी। इसके बाद हमारी जो आगे वाली वायर है वो हमारी लगेगी रेड पुश बटन पहला कि आउटपुट इनपुट ये आ गई हमारी, और आउटपुट से जो दूसरी वायर लगेगी वो हमारी रेड पुश बटन के एन सी पॉइंट में लगेगी। इसके बाद ये हमारी लाइन आ गई ये वाली वायर, इसके बाद हमारी जो रेड पुश बटन की एन सी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल से एक वायर को हम लेके एंटर लॉकिंग करेंगे, मतलब इसको होल्डिंग करा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी वायर हमारी रेड पुश बटन के एन सी पॉइंट से सीधा होल्डिंग मेन एन सी के एन ओ पॉइंट में जाएगी। ऊपर वाले एन सी पॉइंट है, नीचे वाले एन ओ पॉइंट है, एनो पॉइंट से गुजार कर हम कोयल को देंगे। तो ये आ गए हमारे ग्रीन पुश बटन से इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये हमारी इंटरलॉकिंग है, तो इंटरलॉकिंग इसलिए ज़रूरी है जब हम इंटरलॉकिंग के बगैर इसको ऑपरेट कराते हैं तो क्या होगा, ये जब दबाएंगे ऑपरेट होगा छोड़ देंगे कहीं अपनी हालत में आ जाएगी, जैसा हमने दबाया ऑन हो गई छोड़ दिया अपनी हालत में, जब तक हम इसको इंटरलॉकिंग नहीं करें। इंटरलॉकिंग कराने से क्या होगा, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी, यहाँ तक हमारी इंटरलॉकिंग सिस्टम उपलब्ध होगा। हमें आगे मेन चीज़ को समझना है, मेन क्या है, हमें इनमें से एक एम सी को स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करना है। मेन एम सी का हमारा कंट्रोल वायरिंग का काम मुकम्मल होता है। स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले टाइमर की बेस को समझना होगा। टाइमर की बेस के हमारे 7 और 2 नंबर हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट, 7 और 2 नंबर क्या हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट ए और बी, या A1 A2 कोई भी नाम दे सकते हो, या A2। अच्छा, 7 और 8 को हम क्या करेंगे, लूपिंग करेंगे आपस में शार्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आएंगे 5 और 6 नंबर, 5 नंबर हमारे 8 के साथ नॉर्मली क्लोज होगा और 6 नंबर हमारा नॉर्मली ओपन होगा। तो क्लोज पॉइंट को हम सीधा लेके जाएंगे स्टार एम सी, 5 नंबर से जो नॉर्मली क्लोज हालत में है उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, स्टार एम सी, लेकिन डायरेक्ट हम स्टार में लेके नहीं जाएंगे, इसकी इंटरलॉकिंग ज़रूरी है। इंटरलॉकिंग इस वजह से होती है जब अगर खुदा नखास्ता मसला हो ये भी ऑन रहे और ये भी ऑन रहे तो शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हमें डेल्टा वाली एम सी के एन सी पॉइंट से, एम सी के एन सी पॉइंट से स्टार वाली कोयल की जो वायर है उसको गुजारना होगा। तो ये देखो यहाँ से 5 नंबर से हमने वायर ली और डेल्टा वाली एम सी के एन सी पॉइंट से यहाँ से गुजार कर फिर इसके ए टर्मिनल में हमने लगा दिया। तो ये आ गई हमारी स्टार की इंटरलॉकिंग। तो ये जो पॉइंट था हमारा नॉर्मली क्या था, क्लोज पॉइंट था,
फाइव नंबर हमारा क्या है टाइमर का नॉर्मली क्लोज और सिक्स नंबर हमारा क्या है नॉर्मली ओपन। तो ये क्या होगा जब हम इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे जितना टाइम हमने इस टाइमर पे सेट किया है 10 सेकंड 15 सेकंड जितना टाइम सेट किया है तब तक ये चलेगा। इसके बाद ये नॉर्मली क्लोज को ओपन कर देगा और जो ओपन पॉइंट है हमारा ये वाला क्लोज हो जाएगा सिक्स नंबर। तो ये हमारी डेटा वाली जो MCA इसको ऑपरेट करेगा। तो ये भी यहाँ से होता हुआ सिटार से इंटरलॉकिंग के बाद फिर हमारा डेटा में आ जाता है।